हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पंडित। सो आज हम देखने वाले हैं द थ्री बैचलर्स फ्रॉम राउंड टू हेल। यस, ठीक है। तो ये थ्री बैचलर्स का जो भी किस्सा है समझ में आ रहा है कितना ज्यादा मजेदार होने वाला है। एंड बैचलर्स मतलब भी बहुत सारा झोल, बहुत सारा पता नहीं क्या कुछ होता रहता है, हंगामा सबके लाइफ में। बैचलर लाइफ रहता है, सबको पता है कि कितने ज्यादा झोल होता रहता है, रायता फैलता है, मजेदार होता है, एम्बैरेसिंग होता है, सब कुछ। मतलब ये टाइम बहुत अच्छा होता है। जो भी अभी अभी बैचलर है, हमारे चैनल के यू नो फॉलोअर्स है, बहुत अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि बैचलर लाइफ चला जाएगा तब मिस करोगे आप बहुत। और जो अभी मैरिड लाइफ में घुस चुके हैं वो लोग एटलीस्ट अभी उस फेज को रिमेम्बर करके रिग्रेट कर सकते हैं, मतलब दुखी हो सकता है, रिग्रेट नहीं। हर लाइफ ही अपना एक मजा होता है हर लाइफ के अंदर। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं, बातें करेंगे बहुत ज्यादा इस वीडियो देखने के बाद। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑल्सो प्लीज क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। यस, एंड ऑल्सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। या सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। अरे निकाल इन तीनों भाड़ुओं को बाहर, कुछ जरा बैन कर लोड़े बांदर चोद। बहुत मारा। ये कैसा बप्पी लहरी बन रही है? साले हिपस्टर पे वीडियो बना रही हूँ। साले बॉस ने इधर जॉब से निकाल दिया और तुझे हिपस्टर की पड़ ली है? क्या है हिपस्टर ये? अबे हिपस्टर एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी वीडियो डालते हैं, फिर लोग उनको फॉलो करते हैं। अबे तो इससे हमें क्या मिलेगा? साले सबको मिलेगा। इस पे चल लिया फ्लेम चैलेंज, अपनी वीडियो बना के डाल, जिसके सबसे ज्यादा इस पे फ्लेम होंगे उसे मिलेगा 8 से 13 तारीख के बीच में एक MI का फोन। सही में? और तो अभी डाउनलोड करूं, बढ़िया ऐप है यार हिपस्टर। जब भी ना हुआ, जब पहली बार जिम ज्वाइन करा। अबे उड़न चाशमी तो छुट्टी है, कोई बात ना यार, दोबारा कर लेंगे। अबे ना जी, मैं बता रहा हूं अपन तीनों की गलती है ही नहीं। उस नई सेक्रेटरी ने क्या कहा था बता? उसने तो यही कहा था कि कौन लेगा सबसे पहले। बस यही तो नाजिम, बस यही तो नाजिम, बस। अबे ओ बता क्या था जा? अबे बस नाजिम यही तो, उसने कहा सेक्रेटरी ने कौन सबसे पहले लेगा, ये चढ़ गए उस पे। उसने कहा था सबसे पहले कौन प्रोजेक्ट लेगा। सारी नौकरी लोंडियावादी की वजह से खत्म हुई अपनी। बच वसीम लोंडिया देख रही, तूने देखा मुझे गला घोट दूँ, प्यार हो गया फूका हुआ, निगाह निगाह में आई लव यू बोला उसने भी और मैंने भी, और आज ही हाथ काटूंगा अपने प्यार में। हाथ क्या लंडी काट ले नाजिम, प्यार में नसे कटती है नसे, तो फिर इसकी नस काट ले। अबे तूने देखा क्या है? अबे निगाहों से घर तक छोड़ के आया हूँ उसे। आज वो घर पे खाना नहीं खाएगी मेरे प्यार की वजह से, कौन है उसका जिम्मेदार? अबे 120 की स्पीड से तो निकल के गई है, देखा ही था उसमें। तूने क्या देखा था? उसकी जो ऑरेंज कलर की जूती थी उस पर जो नग था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाएं पैर की जो बत्ती थी वो भी टूटी हुई थी, उसमें भी मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। देख जैन, मैं तुझे बताता हूँ, लोंडिया मुझे ही देख रही थी। कैसे बताऊं? देख ए, लोंडिया खड़ी थी 30 डिग्री के एंगल पे, है ना? तो एरिया ऑफ लोंडियाबाजी क्या होता है? 1/2 लोंडे इंटू लोंडिया, है ना? ये तो भीड़ में लगा, फिर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे लगा। चल दूसरा लगा ले, कुल मिला के एरिया जो मिल रहा था तो 90 डिग्री के एंगल पे पेड़ है, पेड़ से टकरा के बस 30 डिग्री पकड़ा था, तू 90 पे मैं 45 पे, तो कुल मिला के मेरे जो देख रही थी वो। यार तूने ये सारी वैल्यू हटा दी गोलगप्पे के ठेले पे वाली वैल्यू जो लगाई। उस लड़की का जो बाएं पैर की बद्दी टूटी हुई थी ना, वो रोल गोल्ड की थी। भगवान, देखा तो सही मायने में ये। आजा पहले हिसाब ही कर ले, इधर को आजा भाई, इधर को आजा। थ्योरी ऑफ लोंडिया वाली की जाए तो मैं लैंडी स्केल का सवाल किया था, ये बताओ लोंडिया का स्क्वायर बराबर लोंडिया का स्क्वायर माइनस दो लोंडे। अब लोंडिया थी अकेली में। नाजिम, अगर उस लड़की से प्यार हो गया ना तो एक जोड़ी जूती जरूर दिलानी यार उसे। पूरा स्टोर खुलवा दिया उसके लिए, पहले हिसाब में तो निकल गया तेरा नाम। क्या हुआ जब अल्बर्ट लैंडस्टीन ने क्या गया? एरिया ऑफ लोंडिया इक्वल टू 2×2 से लोंडे की गुणा कर दी। सही है, हम तीन जने खड़े थे वहां पे, लोंडिया का एंगल 30 बना। अब यहां को आ जाओ, जैन से जैन कर लिया, दो जैन से एक बसिन कर लिया, लोंडिया इक्वल टू जैन। अब हिसाब से कौन कर लियो तो भैया दोनों बता दो। यार जैन, मुझे तेरे हिसाब में कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे भी लग रही है यार। उतर उतर से हिसाब गलत है तो गलत है।
साले काय का गलत है? फॉर्मूला गलत लगा रही है लंडी स्टीन का। बे साले फॉर्मूला गलत मान लिया, तू क्या सोच दिया लोंडिया साइड नहीं होगी मुझसे? अबे 38 साल के बुड्ढे सलमान खान से 5-6 साल छोटा होगा, लोंडिया पटा के दिखाऊंगा तुझे। और तुझे साले कादर खान के साथ कंचे खेलने वाले इंसान, मुगले आजम रिलीज हुई तब भी 40 साल का था ये। सालो अंग्रेजों से लोहा लेने वाले आदमी हो तुम, तूने ना लिया लोहा, तूने ना बिकवाया। कौने 3 किलो निकला तेरे सामने पूरा? लोंडिया सेट करके दिखाऊंगा एक महीने में। एक महीने में मैं तुझे दिखाऊंगा लोंडिया सेट करके। एक महीने में कुछ देर लोंडिया पटेंगी। अबे मिलो एक महीने के बाद, मैं देख लूंगा दोनों को। मैं तुझे भी देख लूंगा एक महीने बाद। लोंडिया करके वन डे लेटर जॉब ढूंढने आए शायद। हाँ ट्यूशन क्लास में गया, नहीं जॉब इंटरव्यू में लिया। गांडू गुड मॉर्निंग। गांडू? अरे तुम्हें कह रहा हूँ सकल सी गांडू लगो। ऐसे कह रहा हूँ गांडू। तुम दोनों कह रहे होंगे गांडू। तुम तीनों गांडू हो। आप तीनों बताओ आईआईटी में पढ़ने वाले क्या क्या लाते हैं? आईआईटी बस बस यही तो, बस यही तो। सर बता तो जाओ। बस यही तो, आईआईटी में पढ़ने वाला आईआईटीयन हुआ तो गांडू क्लासेस में पढ़ने वाला बच्चा बच्चा गांडू हुआ। आप भी गांडू हो, फीस पहले ले लूंगा। तो बच्चों सुन लो, ये 30 दिन का कोर्स है, अगर 28-25 दिन में जिसने किया वो बच्चा गंडी कहलाया। निकल। अरे बच्चों मेरी बात तो सुनो, बैठो। दे सर गंडी बनने थोड़ी आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं। अरे मेरे बेटे गंडी मत बनो, आप 30 दिन में पूरे सेट करो लोंडिया, जल्दी मत करो, गंडी नहीं कहूंगा। ये तो एक श्रद्धा इस कोचिंग सेंटर की जो टॉप मारता ये है। अरे ये आपने कोचिंग क्लासेस का नाम गांडू ही क्यों रखा सर? बहुत असली नाम लग रही है। मुझे पता था तू जरूर पूछेगा, सकल से ही भाड़ू लग रही था तू मुझे। ये तो रियल साले फीस में ऐड कर लिए 250 रुपए कुर्सी के। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जी जो है गर्लफ्रेंड के लिए स्टैंड करता है, ए जो करता है आपके लिए इसी प्रकार, एन नहीं के लिए, और डी डीयू के लिए, नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी दूर। तो इससे हम बनाते हैं गर्लफ्रेंड अब नहीं दूर किसी की भी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, लड़की अगर भीड़ वाले इलाके में है या राजीव चौक मेट्रो स्टेशन तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नहीं क्वेश्चन बाकी भी शानदार है, मैं आपको दोनों फॉर्मूले देता हूँ। भीड़ में जो लगेगा V=4AC, और जो राजीव चौक का आप पूछ रहे हो उसमें 2 से गुणा कर दो भीड़ में, तो बस 4AC। यहाँ पे आपका जो है कर रहा है भीड़ है, देखो जो है आपका सब्जेक्ट है। फीस पूरी ले लूंगा बेटे। भीड़ की यहाँ पे 2 से गुणा इसलिए की गई क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है राजीव चौक पे। सर अगर लड़की की सैंडल की बद्दी टूटा हुई है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बेटे पहले बद्दी लगेगी, फॉर्मूला बाद में लगेगा। और सर अगर लड़की अपने भाई के साथ हो तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला तो कोई ना लगेगा पर लैपटॉप भी भाई के लगेगा। फिर से। तो बेटे इसमें 7 चैप्टर होंगे, एक महीने में आपके 7 के 7 आपको करने पड़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोंडिया, वेलोसिटी ऑफ लोंडिया, बाजार में लोंडिया, मॉल में लोंडिया, और फीस पूरी ले लूंगा महीने से पहले। तो बेटे ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा इसमें ये होगा शादी ब्याह में लोंडिया। पूरा सर पूरा उतारने दियो अभी। सर मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ बेटे बताओ। सर मैं बाजार में लोंडिया नहीं छेड़ूंगा सर। और तेरे बाप को कौन लगाऊं? तू तो कोचिंग तो पा। अंकल जल्दी से स्कूल पा जाओ, बहुत ही कमजोर बच्चा तुम्हारे पढ़ाई में। जी मास्टर साहब बताइए क्या बात थी? अरे अंकल आपका लड़का साफ मना कर रहा है बाजार में लड़की छेड़ने को, कल कला को ये फेल हो जाएगा, मेरे कोचिंग का नाम बदनाम होगा, गांडू का नाम बदनाम होगा। दुबे लोंडे छेड़ने को मना कर रही है बाजार में? हाँ मैंने छेड़ूंगा, पिछली बार बहुत पिटा बाजार में। अपने बाप का नाम ऐसी बदनाम करेगा तू? बाबा मैं दूसरा चैप्टर पढ़ लूंगा, ये ना पढ़ूंगा बाजार वाला। अरे अंकल यही तो इंपॉर्टेंट है बाजार वाला, इसमें से 4 नंबर का अलग ही रखा। मुझे ये बता दो ये लड़का अगर लड़कियां छेड़ेगा दबा के तो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, फीस पूरी ले लूंगा, तो वरना इसे ले जाओ यहाँ से, मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसे। क्यों बे क्या दिक्कत आ रही है? लोंडिया क्यों ना छेड़ेगा? पापा मैं शादियों में लोंडिया छेड़ लूंगा, बाजार में बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। तू तो तेरा बाप भी छेड़ेगा। ये अंकल आप हो गए, और आगे भी भविष्य में अगर ये लड़की नहीं छेड़ता है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, गांडू नहीं। अब इससे पूछ लो ये यहाँ पे पड़ेगा तो लड़की बाजार में भी छेड़ेगा, पूछो इससे।
क्यों भाई लास्ट बार पूछ रही हूँ, छेड़ेगा या नहीं छेड़ेगा? पापा बाजार में तो जरा भी ना छेड़ूंगा मैं। हाथ बहुत धो लिया आज, नहाई लू। चल साबुन डाली ले जाओ। अरे कोई रिजल्ट एक महीने बाद मिल लिया है? रिजल्ट? अबे लोंडिया खुद पढ़ा लेता हूँ खुद, और जो मास्टर पढ़ा रहा था ना तुम्हें, उसे खुद कोचिंग दे रही हूँ मैं आज। साले लोंडियों से बोर हो गई हूँ, बस मिट्टी पटा दी मैंने। और यहाँ तो कोई लोंडियों की गिनती नहीं है। बस सेम लोंडिया ने मुझे देखा। मुझे देख गई, इस बार तो नाइक की जूती पहन रही थी। साले निगाहों से घर तक छोड़ के आया हूँ। आ जाए हिसाब कर लो। एंडिंग मस्त था। अरे एक ये कॉन्सेप्ट था, एक थोड़ा हट कर गई है, मतलब इस टाइप से थोड़ा नहीं आता। हाँ मतलब बैचलर्स, मुझे लगा था कि बैचलर्स लोगों का जो भी लाइफस्टाइल है वैसा, ये भी एक हिस्सा है लौंडियाबाजी एंड ऑल, क्योंकि ज्यादातर बैचलर जो हमारे इंडिया में है सब लौंडिया के पीछे ही लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये एकदम टॉपिक मस्त था, क्या जबरदस्त, मतलब कैलकुलेशन वाला वो तो यहाँ पे शो स्टॉपर लगा। कैलकुलेशन कर रहा है उसके बाद फिर ट्यूशन पर और उसके बाद मतलब वो भी लौंडियाबाजी करने के लिए क्लासरूम अलग से सोची है, कोचिंग क्लास कैसे करेंगे, बाजार के लिए लेंगे, ट्रेन में एक, शादियों में एक, उसके लिए अलग अलग फॉर्मूलास, बाप रे बाप। एंड वो बीबीजी आके उसको मार रहा है धो धो के, नहीं करेगा, पैसा दे रहा हूँ मैं, नहा धो करके मारने गया था। क्या बनाते ये लोग, माय गॉड, मतलब इन लोगों का अलग ही एक अंदाज है, अलग ही स्क्रिप्ट है, जो अलग ही लाइन ही चलता है, अलग ही लाइन चलता है, कोई समझ ही नहीं सकता, कोई कर भी नहीं सकते इन लोगों की तरह, रियली मतलब ये लोग, इसीलिए ये लोग राउंड टू हेल है, एग्जैक्टली इसीलिए ये लेवल पे है, ये लोग हमें मजा देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाप रे बाप। और लास्ट वाला वो तो तड़का मस्त था, बैठो तो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, वो एकदम कैलकुलेशन कर लेके बैठे हैं, मतलब एक एक मंथ बाद भी वापस सेम वो पेन एंड पेपर पे आ गए। इतना कुछ करने के लिए भी, इतना कुछ करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो जो लड़की के लिए ये लोग लड़ रहे हैं मर रहे हैं, वो लड़की तो एकदम धाय तूफान की तरह चली गई, किसी की तरह ना देख के भी, फिर भी ये लोग कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन। अरे लड़की अगर पटा लिए हो तो लड़की तो आना चाहिए ना पिक्चर में। कहा है लड़की? नहीं, इनका चैनल में कोई लड़की नहीं आ सकती। ओ गॉड, चैनल ही मतलब ऐसा है, हरियाली से एकदम दूर है। थ्री बैचलर्स, दिस इज ऑसम मैन, मतलब सीरियसली मजा आ जाता है, पेट दुखता है देख देख, मतलब ऐसा वीडियोस जो राउंड 12 का कोई भी वीडियो आप उठा लो, देख के आपका पेट में दर्द होगा ही होगा, जॉ लाइन में दर्द होगा, क्योंकि इतना मजेदार, क्या बताए कॉमेडी, और जितना भी इनका वीडियो देखते हैं ना, रोज अगर इसका एक वीडियो भी देख लेना, बहुत मजा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना हंसी आता है ना, क्या बोले। बहुत सारे लोग एक्चुअली रिक्वेस्ट किए थे थ्री बैचलर्स के ऊपर रिएक्ट करने के लिए, तो आज फाइनली हम कर लिया, एंड बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है, रियली ऑसम। एंड रियली हमारे जो बैचलर लाइफ थे, हमारे भी थे बैचलर लाइफ शादी से पहले, तो कैसा था भाई, तुम भी ऐसे करते थे क्या? कैलकुलेशन लेके बैठते थे क्या? कैलकुलेशन वगैरह नहीं करता। कैलकुलेशन एक ही था तुम्हारा ना, बस वो कैलकुलेशन में यहाँ पे बैठी है, जरूरत नहीं पड़ा और कैलकुलेशन करने का, और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ा। ओ माय गुडनेस, दिस इज ऑसम मैन, बहुत अच्छा लगा। एंड या अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए, ये वीडियो पे लाइक बटन क्लिक करके लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।